श्री केदारनाथ धाम में स्थानीय व्यापारियों और धाम में व्यवसाय करने वालों को उत्तराखंड सरकार ने बड़ी राहत दी है। बता दें कि 31 जुलाई को अतिवृष्टि के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा अवरुद्ध हो गई थी। हालांकि इस बीच राज्य सरकार के दिशा निर्देश में जिला प्रशासन द्वारा यात्रा को पुनः संचालित करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए गए हैं। अब धीरे धीरे श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पटरी पर आने लगी है। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जिला प्रशासन केदारनाथ धाम में स्थानीय लोगों के आवागमन के लिए हेली का संचालन किया जा रहा है। अतिवृष्टि के बाद ऐसे व्यापारी जो केदारनाथ में स्वयं का व्यापार कर रहे हैं, उनका रेस्क्यू कर वापस लाया गया था, उनके लिए कल से निःशुल्क हेली सेवा प्रारंभ की जाएगी, जो अगले 2 माह तक के लिए संचालित होती रहेगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। क्योंकि केदारनाथ में 31 जुलाई की जो आपदा आई थी, उसमें बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करके जो वहाँ के लोकल व्यापारी हैं, तेज लोग हैं, दुकानदार हैं, उनके नीचे लाया गया था। अब 15 सितंबर से आशा है कि यात्रा दोबारा से अपने फुल सेल में चलेगी। तो इसके दृष्टिगत उत्तराखंड सरकार द्वारा वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, दुकानदार हैं तेज लोगों का, उनको केदारनाथ भेजने के लिए हेली की सुविधा प्रदान की जा रही है, जो कि हिमालयन हेलीपैड सेफ्टी से प्रदान की जा रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्थानीय है, दुकानदार है, वो अपने आवेदन जो है अपने ग्राम प्रधान को या स्थानीय जनप्रतिनिधि भी दे सकता है। उसके माध्यम से जिला पर्यटन विकास अधिकारी नोडल अधिकारी हेली को वो आवेदन प्राप्त होंगे और उनको डेट प्रदान की जाएगी। उस डेट पर जाकर के अपने केदारनाथ पहुँच सकते हैं। चूँकि एक तरफ से है यह सुविधा, तो केवल सीसी से उस पर ही भेजी जाएगी।